के जिलाध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी से आग्रह करूंगा वो आए वे आपको संबोधित करके कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी स्टेज पर हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए जो आए हुए हैं अपने बहुत ही कीमती समय को निकाल के और जिनके माध्यम से आज ये एक नववर्ष का मिलन कार्यक्रम भी हो रहा है आने वाली जो बहुत बड़ी एक रैली है उसके लिए हम सब का आह्वान करने के लिए जो आए हैं आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी स्टेज पर अन्य सभी सम्मानित जन पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता जन बहुत अन्य भी सीनियर लोग बैठे हुए सामने बहनों भाइयों बुजुर्गों छायाकार और पत्रकार बंधुओं एक छोटा सा संस्मरण आप लोगों को सुनाऊंगा क्योंकि मैं हरियाणा में पैदा हुआ हूँ सेना में थे बचपन में चले गए थे परंतु चौधरी साहब के नाम को हमेशा सुनते रहते थे मैंने 2003 में 11 साल की सर्विस करने के बाद सेना छोड़ दी थी और फिर प्राइवेट लाइन के अंदर हेलीकॉप्टर फ्लाई करता था अखबारों में टीवी पे वैसे चर्चाओं में खूब चौधरी साहब का नाम सुनते रहते थे और एक आइडिया लिखा था बहुत सीनियर आदमी है जो मैं बात बताने जा रहा हूँ जो संस्मरण बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ यहाँ पे इस सभागार में चौधरी साहब को पता होगा या मुझे पता होगा और अब मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि कार्यकुशलता सीनियरिटी कितना अनुभव और कितना इनके ऊपर उस समय कांग्रेस के अंदर थे कितना इनके ऊपर हाई कमांड का जैसे आज बीजेपी के अंदर पूरा चौधरी साहब को एक मान सम्मान और एक कॉन्फिडेंस है पार्टी के ऊपर इनको ऐसे ही कांग्रेस के अंदर था बात 2008 या 9 की है मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चौधरी साहब नए नए इलेक्शन हुए थे स्टेट असेंबली के उत्तराखंड में और चौधरी साहब वहां पे प्रभारी के नाते आए हुए थे और इशू सरकार का शायद जो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ उस समय के हिसाब से मामला टाइट था दो चार जो इंडिपेंडेंट टाइप के या एक दो रुसे हुए लोग थे वो उनको मनाना था ताकि कांग्रेस की सरकार बन सके तो मेरे को मैं प्राइवेट हेलीकॉप्टर उड़ाता था और देहरादून में हमने खड़ा कर रखा था और कांग्रेस पार्टी के लिए उस समय हमारी ड्यूटी लगी हुई थी तो मेरे को कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे आपके साथ एक सीनियर नेता जाएंगे और उनको बड़कोट लेके जाना है बड़कोट उत्तरकाशी ना यमुनोत्री के रास्ते में एक स्थान है और सड़क से जाओ तो 6-7 घंटे की एक साइड की ड्राइव है और 6-7 घंटे का वापस है तो स्वाभाविक था इनके सीनियर लेवल के ऊपर ये था कि भाई हेलीकॉप्टर से जाके तुरंत आ जाओ मैंने हाथ खड़े कर दिए मैंने कहा जी मौसम खराब चल रहा है जा तो सकते ही नहीं है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो तब तक चौधरी साहब गाड़ी लेके पहुंच गए थे हेलीपैड पे उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं कैप्टन साहब लेके चलते हैं वहां जाके देखेंगे मेरे को सिर्फ 5 मिनट चाहिए अखबारों में और वैसे चर्चा में हमारे को पता था मामला उलझा पड़ा है काफी तो चौधरी साहब को हमने बिठाया प्रभु की कृपा रही वहां उतरने लगे तो मौसम जैसे भी था कर के मैं उतरा मैंने कहा जी आपके पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है बोला इतना तो बहुत ज्यादा है बस मैं गया और आया इतनी देर में कर दूंगा तो मैंने उतार दिया और मन ही मन में सोच रहा था मैंने कहा भाई ऐसे कैसे जादूगर है जो 5 ही मिनट में इतना जटिल मामला सुलझा देंगे और वास्तव में चौधरी साहब 5 मिनट में वो जो MLA था उसको उठा के लेके आगे दो आदमी उसके साथ और हेलीकॉप्टर में गिरा और वापिस हम लोग बगैर पंखे बंद करे क्योंकि मौसम खराब चल रहा था वापिस ले आए और सरकार वहां पे बना दी एक बार जोरदार तालियों के साथ चौधरी साहब को हम स्वागत करते हैं उनकी हौसला अफजाई करते हैं वहां से
अब जब सरकार बनी 14 केंद्र को मिलना जुलना लगातार रहा और जो आपका एक विशेष प्रेम मेरे प्रति रहता है और बहुत ही मैं भी उनका आदर करता हूँ, पूरा सम्मान करता हूँ। और मैं भी ये तो नहीं कहूँगा साथी, क्योंकि हम तो बहुत छोटे हैं, जूनियर हैं, मार्गदर्शन लेते रहते हैं, परंतु आह्वान जरूर करूँगा कि जो आने वाले टाइम में रैली हो रही है उसको हम सबको पूरा जी जान लगा के सफल बनाना चाहिए। सफल बनेगा तो चौबीस साल का पार्टी के अंदर कल बढ़ता है, बढ़ेगा तो आप और हम सब की जो दिक्कत है, परेशानियां हैं, वो अपने आप रिजॉल्व ठीक उनका समाधान जिस प्रकार से भी होता है वो चौबीस साल जरूर कराएंगे, जैसे अब तक कराते रहेंगे। मुझे मालूम है पिछले चुनाव के अंदर और बीच में भी अंतरकाल में और आज भी अगर चौबीस साहब अभी फोन करें तो सीधा अमित शाह जी और मोदी जी तक इनकी सीधी पहुंचे, सीधा एक फोन के अंदर वहां से काम करा सकते हैं हम सबका। और पीछे जिस प्रकार से हरियाणा अलग अलग टाइम पे चाल बाजियों की वजह से दिक्कत परेशानी आई, चौबीस साहब की बहुत अहम भूमिका रही सरकार को दिक्कत परेशानी जो भी आती थी उस समय में उसको ठीक कराने में, उसको हल कराने में, उसको सॉल्व कराने में। मैं चौबीस साहब के लंबे जीवन और स्वस्थ जीवन के लिए प्रभु से भी आज प्रार्थना करता हूँ ताकि ये ठीक बने रहे। और ये भी ध्यान दिला दूँ जैसे 12-13 साल पहले थे आज उससे भी ज़्यादा यंग और फुर्ती के अंदर दिखाई देते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।